हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग इन्हा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी विज़िट करने वाले हैं और ये है लाइब्रेरी। ठीक है, मैं वाइड एंगल में आपको दिखा देती हूँ, ये है सारी लाइब्रेरी। ठीक है ना, तो अभी हम लोग जाते हैं। मैं आज खुद भी फर्स्ट टाइम जाऊँगी लाइब्रेरी कैसी है देखने, तो लेट्स गो एंड चेक के लाइब्रेरी कैसी है। और क्योंकि ये लाइब्रेरी है तो मैं ऊँचा बोल नहीं सकती, ठीक है, सो प्लीज़ बियर विद मी, या तो मैं फिर वॉइस ओवर कर लूँगी। और या फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल के बनाऊँगी, ठीक है, अब मुझे ये पता नहीं है। सो ये है जी जनसुख मेमोरियल लाइब्रेरी, ओके। और ये अंदर लाइब्रेरी है, ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से इंटर होना है। अब क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा आ रही हूँ तो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है कि इनको क्या क्या चाहिए होगा। तो अंदर से लाइब्रेरी ऐसी है, यहाँ पे ये सिटिंग की जगह बनी हुई है और काफ़ी प्यारी है। और यहाँ पे आई थिंक आप अपना कार्ड लगाएंगे तो ही आप अंदर जा सकते हैं, वैसे आप नहीं जा सकते, ठीक है। और ये सारी आई थिंक ये कोई एग्जीबिशन पोस्टर टाइप की चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ये कुछ इन्हा की हिस्ट्री है, यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले की हुई है कि क्या क्या कब हुआ, 50s में बनी, 60s में क्या हुआ, 70s में क्या हुआ। बट बात ये है कि ये सारा कुछ कुरियन में है तो आप लोग पढ़ नहीं सकते, सो मैं इतना फोकस भी नहीं कर रही। और ये यहाँ का कुछ म्यूज़ियम है, आई थिंक कुछ इन्होंने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। हेलो, आई थिंक यू कैन सी मी इन द मिरर एनीहाउ। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कुछ एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं, ये इन्हा के बैजेस और स्टैम्प्स और सारी चीज़ें। और यहाँ पे कोई भी नहीं है, सी कोई भी नहीं। आई थिंक वैसे लाइब्रेरी 6 बजे बंद हो जाती है और तकरीबन 5:30 हो चुके हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपको अंदर जाके विज़िट करवाऊँगी। आई थिंक मुझे अभी इन्हा का जो है ना वो इनको कार्ड दिखाना पड़ेगा और या इनसे पूछना पड़ेगा कि भाई अंदर कैसे जाना है। आई थिंक कार्ड वहाँ पे मैं वो जो बने हुए हैं ना ब्लॉक्स वो बोले उनके अंदर कार्ड लगाऊंगी, वो ओपन होंगे और मैं अंदर चले जाऊंगी। तो मैं फिर अंदर जाके व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। करना ऐसे है कि मैं अपना कार्ड लगाऊंगी यहाँ पे और ये डोर हो गया ओपन और हो गया क्लोज और मैं जा रही हूँ अब अंदर। ये इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे देखते हैं जी मुझे कहाँ जाना है। कन्वेंशन सेंटर है 5th बिल्डिंग पे, मल्टी सेंटर है, मेडिकल, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, ह्यूमन टेक्नोलॉजी, लाउंज, ग्रुप स्टडी रूम और ये सारा कुछ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम हैं अभी 1 में 2, लेट्स गो टू द 2 बिल्डिंग और देखते हैं कि 2nd फ्लोर आई मीन, और देखते हैं कि भाई क्या है। खुल जा सिम से। ओके, सो हुआ ये है कि मैं आ गई हूँ अभी 5th फ्लोर पे। मैंने बाकी फ्लोर्स चेक किए बट मुझे ना समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। आई मीन मुझे लाइब्रेरी मिली नहीं है। सो यहाँ पे ये लैब्स हैं और ये स्क्रीन रूम है और ये स्मार्ट ग्रुप स्टडी रूम है। आई थिंक ये सारे क्लोज हैं, सो आई विल जस्ट गिव यू द ओवरव्यू बाहर से, ठीक है ना। सो दिस इज़ हाउ द रूम इनसाइड लुक लाइक द सिमिलर वन। तो मतलब यहाँ पे अंदर स्क्रीन्स हैं और सोफे पड़े हुए हैं काफ़ी सारे एंड यू कैन स्टडी इन अ ग्रुप हियर, ठीक है ना।
और आई डोंट नो अब आगे क्या क्या है, लेट्स गो एंड चेक इट आउट। यहाँ पे ये मेल्स का वॉशरूम है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे होता है, एक फ्लोर पे मेल्स का होता है, एक पे फीमेल्स का, या साथ साथ होते हैं। जैसे अब यहाँ पे साथ साथ है, वैसे नॉर्मली होता है कि एक पे मेल होता है और एक पे फीमेल होता है। और ये मेडिकल लाइब्रेरी है और काउंसलिंग सेंटर और ह्यूमन राइट्स सेंटर। सो यहाँ पे है कोई मेडिकल लाइब्रेरी। ओके आई थिंक ये भी बंद है, सो लेट्स गो और आगे देखते हैं क्या, वरना फिर इससे नेक्स्ट वाले फ्लोर पे जाते हैं और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि भाई क्या है। अच्छा ये तो आगे से सारा बंद है और यहाँ पे ये सारे जेंडर इक्वालिटी काउंसलिंग ऑफिस और ह्यूमन राइट्स के ऑफिसेज हैं, ठीक है। और ये है जी, अभी हम ये जो आपको ये ब्लू डॉट नज़र आ रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे अभी हम लोग खड़े हुए। और ये इतना बड़ा जो है ना वो इसका आर्किटेक्चर है। तो 6th फ्लोर पे जाते हैं, उस पे देखते हैं क्या है, वरना वापस 1st फ्लोर पे जाके पूछते हैं कि लाइब्रेरी कहाँ है और कहाँ से रास्ता जाता है, क्योंकि ये इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। आई डोंट अंडरस्टैंड कहाँ से जाना है, प्लीज़ बेयर विद मी, सॉरी। ओके तो हुआ ये है कि 6th फ्लोर पे ये काफ़ी अच्छी सी जगह है, बट ये सारे रिसर्च सेंटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है, सो आई थॉट कि चलो वही व्यू ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। सो प्लीज़ लुक एट दिस व्यू, कितना प्यारा है। एंड यहाँ पे ये कन्वेंशनल सेंटर है, कन्वेंशन सेंटर, एंड आई डोंट नो कि बाकी क्या सीन है। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर और व्यू देखें आप, वाओ सो प्रीटी। सारे पैसे तो व्यू के हैं। और ये यहाँ पे बाहर जाने की जगह, बट आई थिंक ये क्लोज्ड होगी, लॉक्ड होगी, तो हम नहीं जा सकते। दिस इज लॉक्ड, सो हम नहीं जा सकते, ठीक है। एनी हाउ ये सारे यहाँ पे कुछ रूम्स हैं, कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं ऐसे, ठीक है। वहाँ पे वो लॉजिस्टिक्स का और ह्यूमैनिटीज़ का रिसर्च सेंटर्स था, और ये कुछ सारे क्योंकि कन्वेंशन सेंटर है तो यहाँ पे ये सारे मीटिंग रूम्स और वो है। चलिए मैं आपको एक ओवर व्यू यहाँ से दे देती हूँ, दैट्स हाउ द लुक लाइक, जैसे वो हम मूवीज़ में नहीं देखते, सही ऑफिशियल किस्म के वही वाले हैं, समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ऐसा है, और यहाँ से मैं आई थी और यहाँ से वापस चलते हैं, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आई अब कहाँ है क्या है। ये था कन्वेंशन सेंटर और इसमें ये है जनसुक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सेंटर एड, और बस कन्वेंशन सेंटर है यहाँ पे। तो चलिए वापस चलते हैं, थोड़ा फैंसी सा बना हुआ है, और देखते हैं हम लाइब्रेरी ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते। ओके गाइस, हुआ ये है अब कि मुझे पता चला है कि जो लाइब्रेरी है वो है 2nd फ्लोर पे, जहाँ पे हम लोग गए थे, मैं गई थी, लेकिन वहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा है कि लाइब्रेरी, क्योंकि समर ब्रेक चल रही है, सो बिकॉज ऑफ द समर ब्रेक लाइब्रेरी जो है ना वो सुबह 9 से 4 बजे तक होती है ड्यूरिंग द वीकडेज, और वीकेंड पे लाइक सैटरडे पे वो होती है 9 AM to 1 PM, ठीक है। सो दे आस्क्ड मी टू कम टुमारो और इफ आई वांट टू लाइक बोरो एनी बुक और वांट टू स्टडी एनी बुक। सो ऐसा है, तो अभी मैं लाइब्रेरी तो विज़िट नहीं करवा सकी, बट चले मैंने आपको सारा ओवरव्यू दे दिया, लाइक डिफरेंट फ्लोर्स दिखा दिए, और वो 2nd फ्लोर पर मैंने फिल्मिंग नहीं की थी, बट वो भी सेम ही थे, लाइक कुछ भी लाइक ख़ास नहीं था वहाँ पे, सब कुछ बंद था, सो यू कैन क्लियरली सी एनीथिंग। सो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है, सो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई होप आई विल सी यू सम अदर डे। बाय बाय।